तो हेलो गाइस, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप एआई वीडियोस में मेल या फीमेल के ऑडियो को या फिर साउंड को कैसे बदल सकते हैं। बहुत सारे क्रिएटर यही नहीं जान पाते हैं। और दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में आपको अच्छी तरीके से बताएंगे कि आप एआई वीडियोस का जो वेबसाइट है उसे आप कैसे यूज करके अच्छी खासी एक एआई वीडियोस क्रिएट कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर से करें। चलिए दोस्तों, आप यहाँ पर डायरेक्टली मैं यहाँ पर अपने वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ जो कि मैंने यहाँ पर पिन करके रखा है। तो मैं यहाँ पर DI की मदद से, इस वेबसाइट की मदद से, जो कि दोस्तों मैं आसान तरीके से बता दूँ कि आपको अगर मोबाइल में इसे यूज कर रहे होंगे तो आपको ये वर्क नहीं कर रहा होगा। यानी कि वीडियो तो यहाँ पर, वेबसाइट तो ओपन हो जा रही होगी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको क्रिएट ए वीडियो नहीं ओपन हो रहा होगा। यानी कि आप वीडियो तो यहाँ पर क्रिएट ए वीडियो पर क्लिक करके और या वीडियो अपलोड करके और यहाँ पर स्क्रिप्ट भी आप लिख लेते होंगे या फिर अपने वॉइस ओवर को भी अपलोड कर ले रहे होंगे, लेकिन आपको यहाँ पर जेनरेट वीडियोज का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा। अब दोस्तों, उस सिचुएशन में मैं आपको बताऊं कि अगर आपका जो है मोबाइल अगर डैशबोर्ड में करके यूज कर रहे होंगे तो भी वर्क नहीं कर रहा होगा, क्योंकि ये दोस्तों यह वेबसाइट जो है अब ज़्यादा यूनिक हो गई है, इसलिए दोस्तों मोबाइल से इसे हटा दिया गया है। यानी कि मोबाइल से इसे क्रिएट करना बंद कर दिया गया होगा। इसलिए दोस्तों, आप इसे PC में भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को क्रिएट करने से पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर अनटेल वीडियो दिखलाई दे रहा होगा। तो आपको कभी भी अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करना होगा तो आपको किसी भी वीडियोज का रीनेम फाइल जो है कभी भी क्रिएट करके रखना है। यानी कि दोस्तों, जब हमारे वीडियो का एल्गोरिथम काम करता है तो यहाँ पर इस तरह से काम करता है। यानी कि जब हम जो एक वीडियो का रिलेटेड है, जिस टॉपिक पर वीडियो बनाए हैं, उस टॉपिक पर आपका क्रिएट होना जरूरी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर, जैसे AI वीडियो है तो मैं यहाँ पर AI वीडियो लिख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर AI वीडियोस यहाँ पर ये क्रिएट हो चुका है। अब दोस्तों, यहाँ पर देखिए कि हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, मेन टॉपिक मेरा ये है कि हम अपने वीडियोस में जो है वो मेल या फीमेल का जो वॉइस ओवर कैसे यहाँ पर एड कर सकते हैं। तो यहाँ पर एड नहीं करना है, यहाँ पर आप पर्सनली, आपको यह परमानेंटली दिया गया है। यहाँ पर जेनी का ऑप्शन दिखलाई दे रहा होगा आपको, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं ये सब जेनी या फिर जेनी मल्टीग्लोट है या फिर एरिया है या एम्बर है, आना है, ये सभी दोस्तों यहाँ पर ये फीमेल का जो है वॉइस है। यानी कि जो अपने वॉइस ओवर किया है या फिर अपना कुछ भी आवाज़ करें, या फिर आप मेल हैं तो मेल में अगर आप वॉइस ओवर अपलोड करते हैं या स्क्रिप्ट लिखते हैं तो आपका जो है मेल पर करेंगे तो मेल में आवाज़ आएगा और फीमेल में करेंगे तो फीमेल में आवाज़ आएगा। जो कि आप देख सकते हैं कि फीमेल का ऊपर की तरफ यहाँ पर है और नीचे की तरफ यहाँ पर गेनी है, ड्राइवस है, ब्रेडोन है, ये सभी चीज़ जो दोस्तों यहाँ पर आसान तरीके से देख सकते हैं कि ये मेल का वॉइस है। यानी कि जो भी आपको पसंद आएगा इसमें वॉइस ओवर आप सुन सकते हैं क्रिएट करके वीडियोस को। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, इतने सारे ऑप्शन दिए गए हैं, आप कोई भी यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि हम अपने आवाज़ में इफेक्ट कैसे लाएं। तो उसके लिए दोस्तों, आप इसी के नीचे की तरफ स्टाइल्स का ऑप्शन आएगा एसिडेंट का, जो कि आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर चैट की तरह देखना चाहते हैं, फिर एंग्री, या फिर जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर चैट करेंगे तो आपको पता ही होगा अगर चैट टेक्स्ट बाय लिख करके आता है तो वैसे आपको भी वॉइस भी आएगी। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन हैं, जो भी आपको इसमें से आपके आवाज़ में फिर साउंड में इफेक्ट चाहिए वो इस तरह से आप सुन करके और यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं, और यहाँ पर आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपने वीडियो के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, अब इतना ही है, अब आपको ज़्यादा इसमें कोई फीचर नहीं है। आपको तो पता ही है कि आपको वीडियो के लिए एक AI फोटोज की जरूरत पड़ेगी और उसमें के साथ साथ आपको यहाँ पर टेक्स्ट वाइज आप अपने लिख करके अपने वीडियोज को शूट कर सकते हैं, या फिर अपने वीडियोज को में अपने वॉइस ओवर को अपलोड करके, जो अपना अलग से एप्लीकेशन से वॉइस ओवर किया है उसे यहाँ पर अपलोड करके अपने वीडियो को तैयार कर सकते हैं। इस तरह से दोस्तों, अब आसान तरीके से AI वीडियोस को अच्छी तरीके से और अच्छी तरीके से प्रोफेशनल तरीके से अपने AI वीडियोस को शूट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं ऐसा करता हूँ कि आपको सभी डाउट क्लियर हो गया होगा, आपको अच्छी तरीके से पता चल गया होगा कैसे AI वीडियोस को यहाँ पर शूट किया जाता है, कैसे क्रिएट किया जाता है। तो दोस्तों, मैं ऐसा करता हूँ, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, क्योंकि आगे भी आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें।